बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग फार्मूला, और इसका पार्ट 3 है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, कंफ्यूज नहीं होना आपने। दो तीन स्टेप के बाद ये बहुत इजी हो जाएगा। अब क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स टू प्लस वाई टू इंटू एक्स टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई टू इंटू एक्स टू प्लस एक्स वाई प्लस वाई टू इंटू एक्स फोर माइनस एक्स टू वाई टू प्लस वाई फोर। अब इसमें हमने देखना है कि कितने फार्मूले यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें मैं लिख देता हूँ, नंबर वन फार्मूला एक यूज़ होगा, ए माइनस बी अगर वैल्यू, और ए स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर वैल्यू हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। दूसरा फार्मूला हम यूज़ करते हैं, अगर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और थर्ड वाला फार्मूला अगर हमें इस तरह की शेप मिल जाए, इसमें जैसा कि आएगी नज़र आगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट, आप ये तीनों ही फार्मूले इसमें यूज़ होंगे। अब क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है स्टूडेंट, वैसे ही हम इसको इस फार्मूला के मुताबिक उसको अरेंज कर लेते हैं। अब लिखता हूँ मैं इसके सॉल्यूशन। अब था वैल्यू x माइनस वाई, तो इससे रिलेटेड वैल्यू हमारे पास ये a माइनस बी है, तो फाइंड करते हैं कि इसके साथ कौन सी वैल्यू आएगी। जब a माइनस बी हो तो फिर वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये एक हमारे पास अरेंज हो गई। अब दूसरी अरेंज करता हूँ मैं, x प्लस वाई है, इसके साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और तीसरी वैल्यू मैं अरेंज कर देता हूँ, तीसरी वैल्यू हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसके साथ जो वैल्यू आ जाएगी फार्मूला शेप में वो आ जाएगी एक्स फोर माइनस एक्स टू वाई टू प्लस वाई फोर। अब ये हमारे पास तीन स्टेप बन गए। ये अब देखते हैं कैसे करना है। इस पे पहले वाला फार्मूला a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसको अप्लाई कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अगर वो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और दूसरा ये इसको अभी ऐसे लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैं थोड़ा सा स्प्लिट कर देता हूँ, यानी कि एक्स टू का स्क्वायर और माइनस एक्स टू मल्टीप्लाइड वाई टू प्लस वाई टू का स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये देखा आपने, ये हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। तो जब a माइनस बी और a प्लस बी हो, ये देखें a माइनस बी और ये हमारे पास वैल्यू है a प्लस बी, तो फिर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a हमारे पास है एक्स थ्री का स्क्वायर माइनस वाई थ्री का स्क्वायर, ये आ गया। और इसको ये जो थी वैल्यू, इसको सम अप करके लिखा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ये आ जाएगा एक्स टू का क्यूब प्लस वाई टू का क्यूब। अब इसको सॉल्व किया मैंने तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास एक्स सिक्स माइनस वाई सिक्स, और इसका भी आ जाएगा एक्स सिक्स प्लस वाई सिक्स। अगेन इस पे फार्मूला अप्लाई किया a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा एक्स सिक्स का स्क्वायर माइनस वाई सिक्स का स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास एक्स ट्वेल्व माइनस वाई ट्वेल्व। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। प्रैक्टिस करें, नीट नीट लिखें, इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू दिस। अल्लाह हाफिज़।